आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 1 नवंबर से जिले में शुरू होगी धान की खरीद। एडीएम फाइनेंस व नोडल अधिकारी ने कहा, किसान करा ले अपना रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत हो तो सीधे जिला प्रशासन से करे संपर्क। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्वास्थ्य समिति एवं विशेष संचारी रोग दस्तक अभियान की जिला टास्क फोर्स की द्वितीय बैठक। नियमित टीकाकरण को 100% सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर करे कड़ी कार्रवाई। जनपद में 848 लोगों की कोरोना से हुई मौत पर सभी आश्रितों को शासन द्वारा 50,000 रुपए आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा। एडीएम फाइनेंस ने कहा, पीड़ित परिजन तहसील में फॉर्म जमा करके ले आर्थिक सहायता। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई भूमि संरक्षण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की बैठक। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के दिए निर्देश। 1 नवंबर से सभी बूथों पर लगेगा विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कैंप। 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवा वोटर लिस्ट में दर्ज करा ले अपना नाम, होंगे निर्वाचक अग्रदूत। एडीएम फाइनेंस ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग जारी करेगा युवा वोटरों को विशेष आईडी कार्ड, बनेंगे निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर। 66वें रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर शुक्रवार को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों को किया पुरस्कृत। कहा, कार्यकुशल रेल कर्मियों की नहीं है कमी, निकट भविष्य में देश के अग्रणी रेलों में पूर्वोत्तर रेलवे का होगा नाम। भारत सरकार के डायरेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण की समीक्षा बैठक। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दिए निर्देश। 31 अक्टूबर को कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेसियों ने निकाला मोटरसाइकिल रैली। रैली को सफल बनाने के लिए लोगों से की गई अपील। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 168 केंद्रों पर कुल 12,970 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,581 और सेकेंड डोज लेने वालों में 9,389 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाए टीका जीत का। और दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में रक्तदान, टीवी और एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित।